मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टेक्नो एजुकेशन एकेडमी हिंदी चैनल को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो पहले तो हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो कनेक्शन होता है वो S1 एंड S2 एंड D1 एंड D2 के साथ रहता है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन वाल। S1 मीन सक्शन वाल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिस्टन एंड D1 मीन्स डिलीवरी वाल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिस्टन एंड D2 एंड S2 मीन्स रिस्पेक्टिवली डिलीवरी वाल एंड सक्शन वाल ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पिस्टन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिस्टन का वर्किंग रहता है वो बोथ साइड ऑफ द सिलेंडर रहता है। सो इट इज कॉल्ड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, बिकॉज जो पिस्टन होता है वो बोथ साइड वर्क करता है। मीन्स यहाँ पे जब सक्शन होगा तो यहाँ पे डिलीवरी होगी, यहाँ पे सक्शन होगा तो यहाँ पे डिलीवरी होगी फ्लूइड की। सो उससे क्या होगा, फ्लूइड का कंटिन्यूअस सप्लाई बना रहेगा। ओके, सो इसका जो वर्किंग है वो बोथ साइड ऑफ द पिस्टन है, मीन्स बोथ साइड ऑफ द सिलेंडर है। सो इट इज कॉल्ड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो दोस्तों अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इनिशियली हम पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ओके, पिस्टन कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, जब पिस्टन का मूवमेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड कैसे होगा, वो तो आपको पता ही होगा कि जो पिस्टन का है वो पिस्टन है वो रोड के साथ कनेक्टेड है, वो रोड है वो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड होगा और जो इलेक्ट्रिक मोटर का आउटपुट होता है वो क्या होता है, रोटरी मोशन। ओके, एज वी नो दैट द रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। सो रेसिप्रोकेटिंग मोशन से ए पिस्टन सिलेंडर के अंदर स्लाइड होगा। सो इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो जब पिस्टन यहां से यहां पे जाएगा, ओके, तो यहाँ के क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। सो उसको, उससे पहले आपको वैक्यूम को समझना पड़ेगा। वैक्यूम क्या है, द प्रेशर बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर। राइट नाउ द प्रेशर इज 1.01325 बार। अभी प्रेशर कितना है स्टैंडर्ड, 1.01325 बार। उससे जो प्रेशर कम होगा उसे बोलते हैं हम वैक्यूम, प्रेशर बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो जब पिस्टन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तभी क्या होगा, इस पोर्शन में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। ओके, इस नेगेटिव प्रेशर से क्या होगा, ये सक्शन वाल है वो ओपन होगा तभी डिलीवरी वाल क्या होगा, बंद होगा। ओके, द पोजीशन ऑफ द डिलीवरी वाल इज क्लोज एंड द सक्शन वाल विल रिमेन ओपन ड्यू टू द नेगेटिव प्रेशर। यहाँ पे जो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ है उसके कारण ए S1 वाल ओपन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो सम्प के साथ कनेक्टेड है जहाँ से हमको फ्लूइड को सक करना है। ओके, सो सम्प से ये लिक्विड क्या करेगा, सक करेगा, यहाँ पे सक्शन होगा। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी फ्लूइड है, जो आगे के स्ट्रोक में यहाँ पे सक्शन हुआ होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, फ्लूइड होगा। सो जो फ्लूइड है वो प्रेशराइज होगा, जिससे द्वारा क्या होगा, वो इस पे प्रेशर लगाएगा। एट दैट टाइम दिस D2 वाल विल रिमेन ओपन, यहाँ पे A वाल ओपन होगा और A वाल क्लोज होगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे सक्शन हुआ, यहाँ पे डिलीवरी हुई। सो राइट नाउ योर पिस्टन इज हियर, अभी पंप का पिस्टन कहाँ है, यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तभी क्या होगा, ए सक्शन वाल ओपन होगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर। एट दैट टाइम दिस वाल विल रिमेन क्लोज। तो जब पिस्टन रिटर्न आएगा सो एट दैट टाइम ए वाल ओपन होगा, वाल रिमेन क्लोज। ओके, ए वाल बंद रहेगा तो यहां पे सक्शन होगा। ओके, यहां पे ऑलरेडी हमने आगे के स्ट्रोक में डिस्कस किया था, यहां पे आगे क्या हुआ था, सक्शन हुआ था, तो यहां पे ऑलरेडी फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड प्रेशराइज होगा और वो प्रेशराइज फ्लूड D1 वाल को ओपन करेगा। एट दैट टाइम दिस S1 वाल विल रिमेन क्लोज। तो तभी A वाल बंद होगा, A वाल ओपन होगा, तो यहाँ से क्या होगा, फ्लूड डिस्चार्ज होगा टू द डिलीवरी टैंक, जहाँ पे हमको फ्लूड को सप्लाई करना है उसे बोलते हैं डिलीवरी टैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिस्टन के दोनों साइड के मूवमेंट से सक्शन होता है, एक वन साइड सक्शन होता है तो दूसरी साइड डिलीवरी, दूसरी साइड सक्शन होता है तो यहाँ पे डिलीवरी। सो एक पंप है
वो दोनों साइड वर्क करता है, सो इट इज कॉल्ड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, बिकॉज इसका जो मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग है और वो दोनों साइड वर्क करता है, सो इट इज कॉल्ड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या है, कंटिन्यूअस फ्लूइड की सप्लाई मिलती रहेगी। ओके, दिस इज द एडवांटेज ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। आई होप दिस कंटेंट इट विल बी हेल्पफुल टू यू।